हैं ये कि हम स्कॉल रिफाइनरी आए हुए हैं कस्बा गुजरात। ये जी महमूद कोट से आगे 4 किलोमीटर के फासले पर है कस्बा गुजरात। ये टोटल मैक्सिमम सफ़र बनता है मुल्तान से मुजफ्फरगढ़ 40 किलोमीटर और उसके बाद आगे बाईपास ग्रिड स्टेशन से अंदर की तरफ बाईपास से रास्ता है वो आ रहा है डायरेक्ट महमूद कोट। महमूद कोट से आगे 4 किलोमीटर के फासले पर कस्बा गुजरात में हेस्को रिफाइनरी में आए हुए हैं और वर्कशॉप है जनरेटर रूम की उसका काम किया जा रहा है। फायर फाइटिंग और आपने यहाँ पर अब टेंशन नहीं लेनी और छोटा गोश्त नहीं खाना, बिल्कुल नहीं खाना सर, क्योंकि यहाँ काम ओके हो रहा है। जो अगर टेंशन लोगे गोश्त छोटा गोश्त खाओगे तो फिर काम हो जाएगा उल्टा। बस छोटा गोश्त खाना बिल्कुल नहीं खाना क्योंकि काम जो ओके करना है जी सर। अगर काम ओके करवाना है तो फिर छोटा गोश्त फिलहाल लोग दें। इसके अंदर फॉल्ट जो आया हुआ है सख्त पानी और ऑयल मिक्स हो चुका है जिसकी वजह से ये फायर फाइटिंग का काम रुका पड़ा है। अब ये हम आए हैं इसको काम को मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से ये काम मुकम्मल होगा और ये अपनी कार्रवाई फिर करेगा। ये देख रहे हैं आप साइड पे सारा फायर फाइटिंग के प्लांट लगे हुए हैं। ये पीछे बहुत टैंक 10,000 मेट्रिक टन की है पानी स्टोरेज की। ठीक ठीक ओके। ये हमारे फारिक जीएम साहब काम कर रहे हैं, ये चेक कर रहे हैं कि क्या फॉल्ट है इसमें। मुकम्मल होने वाला है काम जैसा कि आप देख रहे हैं। ये हम स्कॉल रिफाइनरी में आए हुए हैं। सही बन गई। ओके 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 की रिपोर्ट है भाई। ये क्या खोल रहे हैं आप जनाब? वाटर जैकेट आफ्टर क्लॉक। इसके खोलने का मकसद क्या है इस वक्त? आई कूलर को रात बताने से। ठीक है सही। ये सारा मैनुअल सिस्टम है? ऑटोमेटिक है। ठीक ठीक ये खुल चुका है इस वक्त आफ्टर क्लॉक। सही ये उठाया जा रहा है आफ्टर क्लॉक को। ठीक है ठीक है ठीक है।
ठीक है।